दोस्तों हम बात कर रहे हैं थ्री सैट श्रीलंकन सैटेलाइट की। दोस्तों थ्री सैट श्रीलंकन सैटेलाइट में पिछले दिनों एक महीना पहले कम से कम दोस्तों 11 से 12 चैनल चल रहे थे जो कि एमपेक 2 रिसीवर में ऐड हुए थे और अचानक वो चैनल डीडी फ्रेडिस के सेटअप बॉक्स से रिमूव हो गए। दोस्तों अब डीडी फ्रेडिस के सेटअप बॉक्स पे वो चैनल भैया क्या कर रहे थे और ये चैनल कब आएंगे, साथ में ये भी हमारे पास चैनल चल रहा है इसको कैसे देखें, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपने देखना स्टार्ट कर दिया है देश का सबसे बड़ा डीटीएस रिलेटेड यूट्यूब चैनल साहिल फ्री डिश। अगर आप इस वीडियो को करते हैं लाइक और चैनल पर नए हैं चैनल को करते हैं सब्सक्राइब तो दोस्तों आपको मिल सकता है, हमारे एक लकी भाग्यशाली सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है अजय जी, उनकी तरह बिल्कुल मुफ्त में फुल एचडी वाला सेटअप बॉक्स। वैसे सब्सक्राइबर तो बहुत सारे हैं जिनको भेजा है सेटअप बॉक्स, लेकिन अभी लेटेस्ट वाले हैं अजय जी, तो अगली वीडियो में हो सकता है आपके नाम का अनाउंसमेंट हम कर दे। दोस्तों थ्री सैट श्रीलंकन सैटेलाइट एक श्रीलंकन सैटेलाइट है, यानी कि जिस प्रकार से दूरदर्शन डीटीएच का डीडी थ्री डी से इंडिया में इंडियन लोगों के लिए वर्क करता है, इंडियन लोग इसमें मनोरंजन करते हैं, वैसे श्रीलंका ने भी सोचा भैया हम भी अपना एक सैटेलाइट लॉन्च करें जहां पे हमारा भी कोई थ्री डी की तरह हो, तो इसने अपना नाम रख लिया फ्री सैट इंटरनेशनल लेवल की जो है डीटीएस सर्विस है जो कि यूके यूएस वगैरह में भी अपने सर्विस प्रोवाइड करती है वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के लैंग्वेज के विभिन्न चैनल देखने को मिलते हैं। मगर दोस्तों श्रीलंका ने में जब ये चैनल लॉन्च हुआ तो 60 के आसपास में 59 चैनल अभी चल रहे हैं दोस्तों, लेकिन आने वाले टाइम में अभी टेस्टिंग चल रही है जिसमें एमपीजी 2 में अभी मूवीज करके चैनल अभी एक देखने को मिल रहा था और टेस्ट नाम से बहुत सारे स्लॉट देखने को मिल रहे थे, कई बार बंद हुए कई बार चालू हुए, लेकिन दोस्तों वो फाइनली अभी बंद है। लेकिन दोस्तों टेक्निकल काम वहां पर चल रहा है, अब बहुत ही जल्द वहां पर चैनल आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों हम बात करें अभी तो उसकी बात भूल जाओ, उसके लिए उस पर अभी जो MPG 4 में जो चैनल चल रहे हैं उसके लिए HEVC वाला बॉक्स लेना होगा। अगर कहीं वो भी चैनल बंद हो गए तो हमारा HEVC वाला सेटअप बॉक्स लिया का लिया ही रह जाएगा, तो दोस्तों उसको हम अभी छोड़ देते हैं, फ्री सेट को अभी दिमाग से निकाल दो। दोस्तों सिर्फ फ्री सेट ही नहीं है, फ्री डिश की तरह बहुत सारी फ्री सेट फ्री डिश बहुत सारी डिशें हैं जहां पर हम अपने एंटीने को थोड़ा बहुत मालूमात जानकारी लेकर हम एंटीने को घुमाएं तो हमें बहुत सारे चैनल मिलेंगे। दोस्तों एक अपने दिल की बात यहां पर मैं कहूंगा, कुछ ही दिन पहले अभी मतलब कल परसों मैंने वीडियो दिया था कलर्स रिश्ते टीवी चैनल का, अरे बाप रे बाप इतने लोग कमेंट कर रहे हैं फेक बता रहा भाई मेरे, मैं फेक बता रहा हूँ, गूगल नहीं कहेगा कि फेक बता रहे, गूगल पे सर्च कर लो कलर्स रिश्ते सैटेलाइट नेम तो हो सकता है गूगल पे भी आपको ना मिले क्योंकि वहाँ पे जो हुमर नाम से चैनल नाम से है उस सैटेलाइट पर। तो दोस्तों मैं अपने सब्सक्राइबरों में से बहुत सारे सब्सक्राइबर एक्सप्रेस 53° ईस्ट चला रहे होंगे जहाँ पे कलर्स रिश्ते स्टार स्पोर्ट और पीके स्पोर्ट चैनल देखने को मिल रहे हैं, अभी भी कुछ नए चैनल ऐड हुए हैं। तो मेरे भाई आप चला रहे हो तो थोड़ा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो हमारे नए दर्शक हैं जिनको लग रहा था कि मैं फेक बता रहा हूँ थोड़ा उनको मालूम हो जाए यार, जब ऐसे कमेंट आप देखा करो, मेरे सब्सक्राइबर हो तो कमेंट कर दिया करो भैया ये तो बात सही है साहिल भाई ने जो बताया सही है, ये चीज़ कर दिया करो ठीक है। दूसरी बात ये दोस्तों आप एक और सैटेलाइट को सेट कर सकते हैं, वो सैटेलाइट है दोस्तों बदर सेट 26° ईस्ट जिसे अरब सेट भी बहुत सारे लोग कहते हैं लेकिन एक्चुअल नाम जो उसका है बदर सेट 26° ईस्ट। यहां पर दोस्तों मीना बिन जैसे हर एक सैटेलाइट का बीम होता है अलग अलग जगह पे कवरेज होता है तो उसी प्रकार से इसका एक नाम है मीना बिन और कुछ ईस्ट बीम के भी चैनल आते हैं जिनका कवरेज इंडिया में है ईस्ट बीम का, लेकिन मीना बीम का गल्फ कंट्री में कवरेज है, लेकिन उसका चैनल अभी हमें रिसीव हो रहा है MBC बॉलीवुड, कवरेज ना होते हुए भी इसका चैनल रिसीव हो रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी है 9750 LNB फ्रीक्वेंसी है 11269 ट्रांस फ्रीक्वेंसी है, सिंबल रेट है 27500 और इसे आप हॉरिजॉन्टल मोड पर रखेंगे तो दोस्तों आपको डीडी फ्रेडिस की तरह LNB रखनी होगी, वर्टिकल मोड पर रखेंगे तो डीडी फ्रेडिस से ठीक अपोजिट आपको LNB का स्क्रू एंगल रखना होगा। तो दोस्तों हम ऐसी बहुत सारी सैटेलाइटों की जानकारी देते रहते हैं जहां तक और लोग नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक हम पहुंच के दिखाते हैं और हमारे जो दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं वो नई नई सैटेलाइटों को सेट करके इंजॉय करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाइयों का बहुत 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 धन्यवाद।